दिल्ली में शनिवार शाम मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पथराव में कई पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हो गए। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कुछ लोगों ने गाड़ी और बसों के अंदर में उपद्रव की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर ली। ये दिल्ली का नांगलोई इलाका है। यहाँ के सूरजमल स्टेडियम के बाहर पहले शांति से मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक हंगामा हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि पथराव जो है वो प्री प्लान था। ये जानबूझ के किया गया है। वहाँ से कम 100-150 आदमी ने पत्थरों की वार किया है। पुलिस का दावा है कि कुछ ऑर्गेनाइजर ने जुलूस का रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की और जब उन्हें रोका तो भीड़ ने पथराव कर दिया, लेकिन पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया और माहौल बिगड़ने से पहले ही रोक दिया। ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए और ताजिए का जो रूट पहले से हमारे मीटिंग में प्रिस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर पुलिस पे पथराव शुरू किया।